हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिली एंड जुली द जर्मन शेफर्ड में। आज हम लेके आए हैं मॉर्निंग वॉक में मुन्नी को, जो कि हमारी 15 मंथ्स की रॉटवाइलर फीमेल है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी एज के साथ इसकी ग्रोथ और इसकी क्वालिटी। मुन्नी कम ऑन, मुन्नी आ जा। हाँ, ये ऑलमोस्ट 35 डेज़ की प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब इसका पेट भी बढ़ने लगा है, नीचे लटक रहा है और निपल्स का कलर भी चेंज हो रहा है, जो कि 35 डेज़ के आसपास होने लगता है मेटिंग कराने के बाद। इधर ही मॉर्निंग वॉक पे इसको लेके आते हैं अभी, क्योंकि इधर कोई डॉग्स नहीं होते, डॉग्स को देख के बहुत ही एग्रेसिव हो जाती है, इसीलिए इसको इधर घुमाने लाते हैं रोज़ सुबह शाम। बाकी के मेरे डॉग्स छत पे हैं अभी, आप आवाज़ बैकग्राउंड में आवाज़ सुन सकते होंगे, वो सारे मेरे डॉग्स के ही हैं। जल्द ही कुछ दिनों बाद इनके पप्पी के साथ मैं एक और वीडियो डालूँगा। और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि क्वालिटी कैसी है और इसकी एज के हिसाब से इसकी ग्रोथ वगैरह कैसी है। चलिए, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है डॉग्स को या अननोन पर्सन को देख के। बहुत लोग पूछते हैं कि भैया रॉटवाइलर बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, इसीलिए हम घर में रख नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर आप उनको अच्छे से सोशलाइज कीजिएगा, अच्छे से एक वेल मेंटेन बिहेवियर, वेल मेंटेन घर में रखिएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी होते हैं बच्चों के साथ खेलने वाले। मेरे घर में खुद हमारे भैया के दो छोटे छोटे बेबी हैं, उनके साथ में खेलती है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इनका बहुत हाई टेम्परमेंट होता है या बहुत हाई एग्रेसिव होती है। हम जैसे अपने डॉग्स को रखेंगे वैसे रहेंगी। मैंने बहुत से लेबरा ऐसे देखे हैं जो रॉटवाइलर से भी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, जो कि कहा जाता है कि लेबरा बहुत ही फैमिली डॉग होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम जैसा अपने डॉग को रखेंगे और जैसा हम बनाएंगे वैसा बनेंगे डॉग। आ जाओ, चलो चल। बाकी आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं इसकी क्वालिटी और इसके इसको। प्लीज़ 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 बताइएगा कि क्वालिटी कैसा है कमेंट करके, और प्लीज़ हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।